हे गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज मुरुगेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी जोन। तो गाइस कैसे हो आप सब, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो जी आज आपका भाई है मांडवी में, और जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो गाइस मैं जा रहा हूँ देव मोगरा और ये अपने ब्लैक पैंथर। और गाइस मैं सुबह 7 बजे निकल गया था और अभी मैं हूँ मांडवी के आगे ही, बस ऐसे स्टॉप लिया था पानी पीने के लिए। और ये माउंट मैंने फिर से लगा दिया है ये माउंट को, और वैसे काफ़ी मज़ा आ रही है। हल्की हल्की धूप भी लग रही है लेकिन काफ़ी चल रहा है। मतलब मुझे अंदर से एक इच्छा थी कि चलो देव मोगरा माता जी के दर्शन करके आए और आपको भी दिखाए। वैसे मेरे सारे दोस्त बोलते रहते हैं कि वहाँ पर काफ़ी मतलब श्रद्धा है और काफ़ी माना जाता है उस माता जी को, तो आपको मैं आज दिखाता हूँ और संडे राइड भी हमारी हो जाएगी। तो चलो लेट्स गो। तो जी आपके भाई ने मांडवी क्रॉस कर लिया है और आपका भाई जा रहा है अभी देव मोगरा के साइड। अभी 1.5 घंटे की जर्नी है, 75 किलोमीटर अभी बाकी है। और वैसे पहली बार ही जा रहा हूँ मैं, गर्मी काफ़ी लग रही है। अभी 8 ही बजे है लेकिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चलने में तो मक्खन है भाई, चलने में तो इस बाइक का मतलब क्या ही बोलूँ आपको, मैं मक्खन है। आज संडे है तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारा क्राउड होगा। मैं पता नहीं गाइस नाम ही भूल जाता हूँ मैं, क्योंकि देवघाट आता है, देव मोगरा आता है, देवली माड़ी आता है, ये सब कुछ मतलब आता है ना, तो मतलब डीडी पर से ही आता है, तो उसी चक्कर में मैं नाम भूल जाता हूँ। तो देव मोगरा जा रहा हूँ, बस देव मोगरा जा रहा हूँ, चलो ये मान लो क्या जा रहा हूँ भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं। और अभी बजे हैं 8:09। तो जी दोस्तों आपको यहाँ से लेना है राइट, पर रुक जा थोड़ी देर। तो गाइस ये वही है अपना देवघाट वाला रास्ता, और यहाँ से हमें जाना है सीधा। तो अभी यहाँ पर मुझे गूगल मैप में देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका भाई पहली बार ही जा रहे हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम ना हो तो पहला उससे बेहतर है कि आप गूगल मैप में देख लीजिए। चलो तो गूगल मैप में पहले देख लेते हैं कि कहाँ किधर कितना किलोमीटर जाना है। और रे हमारा राइडर, कितना किलोमीटर जाना है मेरे दोस्त? अभी 1 घंटे और 17 मिनट की जर्नी बता रहा है, 65 किलोमीटर जाना है हमें। मुझे नहीं लगता कि इतनी देर लगेगी, आपका भाई पहुँच जाएगा जल्दी ही अगर रास्ते अच्छे हुए तो। तो ऐसे ही बादल रहेगा ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि सूरज देवता जब हमारे माथे पर टंडव कर रहे हैं ना तो पूरा हमारा जुलूस निकाल देते हैं, तो इससे बेहतर है कि बादल है, बढ़िया है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं देव मोगरा माता जी। देव मोगरा माता जी नहीं गाइस, यहाँ मोगी माँ दो नाम है, और देव मोगरा गाँव का नाम माता जी के नाम पर से ही इस गांव का नाम देव मोगरा पड़ा है। शिवरात्रि को वहाँ पर मेला लगता है और 5 दिन के लिए चलता है मेला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बस मुझे इतना थोड़ा थोड़ा मालूम है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पर 5 दिन के लिए मेला लगता है। दोस्तों वहाँ पर क्या है कि माता जी के सामने बकरा मुर्गा ये सब कुछ चढ़ाते रहते हैं, तो आपकी जो मन्नत या फिर कोई इच्छा ना तो वो वहाँ पर पूरी हो जाती है, तो ऐसा मैंने सुना था। अभी भी रिवाज है, वो बकरे मुर्गे ये सब कुछ काटते हैं और माता जी को बलि चढ़ती है। तो भाई कोई सीरियस मत लीजिएगा, मुझे थोड़ा थोड़ा ही मालूम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी के साथ हम पहुँच गए हैं तारापुर। सुबह सुबह खेत में से बाइक निकाल रहे हो, रोड पे जा रहे हो और रोड्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मांडवी तक खराब रोड है, हाँ गाइस मांडवी तक काफ़ी ख़राब रोड है, लेकिन मांडवी से जब हम राइट मुड़े हैं ना उमरपाड़ा वाला रोड, तो ये काफ़ी अच्छा है। आई नीड सम एनर्जी, लिटिल बिट ऑफ एनर्जी, तो मुझे अभी चाय की ज़रूरत है, तो मुझे चाय पीना है अभी। वैसे तो मैं चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं ना तो काफ़ी चाय की आवश्यकता हमें पड़ती है, तो चाय इज़ नीडेड या फिर नीडेड इज़ चाय, ये नौटंकी इस चैनल पर चलती रहती है, तो घबराना मत।
चलो इस अंकल से पूछते देव मोगरा किधर आता है। काका देव मोगरा जो है देव मोगरा सिद्धू। चलो थैंक यू। पूरा अंदर अंदर हो गया गाइस, देख रहे हो ना ये जंगल की वजह से। और आजू बाजू एटमोसफियर काफी तगड़ा है गाइस, काफी अच्छा है। तो अभी बच चुके हैं 8:30। तो दोस्तों मुझे आपको एक बात बतानी है, क्या आपके साथ भी मेरा जैसा ही होता है राइड के अगले दिन आपको नींद ही नहीं आती? पता नहीं मुझे ऐसा ही होता है कि मैं जब किसी भी जगह पर जाना हो ना तो मुझे उसके अगले दिन नींद ही नहीं आती। दिमाग में यही थॉट चलता रहता है कि मैं कैसा शॉट लूंगा, क्या बोलूंगा, क्या करूंगा, तो मेरे दिमाग में ये सब कुछ ही चलता रहता है और काफी एक्साइटमेंट होती है। वाह, ओरे 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 ओरे, तो दोस्तों आपको आपके लिए भी एक दिन निकालना चाहिए। वैसे भी आप मंडे टू सैटरडे काम करते ही रहते हो, तो एक दिन आप अपने लिए निकालिए और घूमिए। मैं वही करता हूँ, मंडे टू सैटरडे काम और संडे घूमना। यहाँ से मुझे गूगल मैप चेक करना पड़ेगा, हालांकि सिलंबा अभी 53 किलोमीटर जाना है, सागबारा 41 किलोमीटर, सिलंबा 47। ये फ्लैग आपने ऊपर देखा ना, तो वो आदिवासी का फ्लैग है, प्रिमिटिव ट्राइबल्स लोग। तो आपको पता नहीं होगा कि आपका भाई भी आदिवासी ही है। हमें जाना है अभी 44 किलोमीटर ब्रो, और एक घंटे की जर्नी है। सागबारा के साइड नहीं मुड़ना हमें, ठीक है, इधर जाना है हमें, लेफ्ट साइड। और ये देख रहे हो ना, ये जंगल वाला ही इलाका है। चलो वो काफी खूबसूरत नजारा। भाई डेमोग्रा कितना है रे? डेमोग्रा हां हां तो मेरा आवे टाटी चौपड़ी आवे टाटी भाई अंदर बोल जाओ। केला 40 किलोमीटर आ है चले इतना चले तो ना चले भी नहीं हो एम हम जिलो नहीं हमरा की खाए नो नो आएगा ना पहुंचा बोले तो मैं आराम से पहुंच जाए 9:30 पर। अच्छा थैंक यू। रोड काफी अच्छे हो गए हैं गाइस, अभी सिर्फ 15 किलोमीटर ही बाकी है और रोड काफी कॉर्नरिंग वाले और काफी अच्छे, काफी घने जंगल वाले रोड आ गए हैं, तो काफी मजा आ रहा है बाइक चलाने में भी। और मुझे पता है कि मेरे सारे वीडियोस है ना छोटे बच्चे काफी देखते हो, तो दोस्तों मैं आपको एक ही चीज समझाना चाहता हूँ कि राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो राइड करो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करो और पूरे सेफ्टी गियर के साथ करो। और यहाँ से हमें लेना है राइट, डेमोग्रा का ये बड़ा सा गेट। वाह यार सामने देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ये एकदम घाट वाला सेक्शन होगा,
लेकिन अच्छा पैच है एकदम, पूरा घने जंगल में से बाइक राइड करना और आजू बाजू का एटमोसफेयर एकदम ठंडा, एकदम प्लेजेंट। अगर बारिश होती ना तो पक्का यहाँ पर फॉग आ जाता, कन्फर्म है। काका डेमो करा जाओ माटे सीधो, अच्छा देवमोगरा ये गांव का नाम है, मैंने सोचा कि यहाँ पर ही मंदिर आ गया है कि क्या है। अच्छा अच्छा मतलब मैं गांव में एंटर हो चुका हूँ देवमोगरा में, एकदम छोटा सा एकदम चुटकी सा माउंटेन सामने। अच्छा ये है तो आ गया जी देवमोगरा माता जी का मंदिर। मैंने सोचा था कि पूरे जंगल मतलब हालांकि जंगल में ही है लेकिन थोड़ा सा गांव में मंदिर की ओर जाने का रास्ता। अच्छा तो जी आपको खाना बनाना हो तो यहाँ पर लोग खाना बनाते हैं तो आप लेके आ सकते हो, यहाँ पर बस भी आती है। चलो माता जी के दर्शन करते हैं। तो ये है देवमोगरा, देख लीजिए आप। तो ये है मार्केट छोटा सा, वैसे मुझे पता ही था कि ऐसे सारे माता जी या फिर कोई गॉड के मंदिर में आप जाते हो ना तो वहाँ पर कैमरा अलाउड ही नहीं है। तो चलो जय माता जी अभी निकलते हैं। तो गाइस जो मैंने प्रसादी में नारियल फोड़ा था ना तो उसमें से फूल निकला है, तो वो एक अच्छी निशानी जानी जाती है। तो हैशटैग फीलिंग पॉजिटिव आपका भाई MG। तो सॉरी गाइज मैं आपको माता जी का दर्शन नहीं करवा पाया लेकिन क्या करूँ अभी। तो गाइज वहाँ पर मैंने ट्राई किया फ़ोन निकालने का भी लेकिन वहाँ पर गार्ड से ना तो वो मुझे फ़ोन जेब में ही रखवा दिया, और एक आंटी भी फोटो क्लिक कर रही थी लेकिन आंटी को भी फ़ोन जेब में ही रखवा दिया। तो फिर मैं आपको क्या ही दिखाऊंगा, एक इच्छा थी कि आपको दर्शन करो लेकिन मैंने ही कर लिया तो फिर अभी क्या कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा लगा माता जी का दर्शन करते हुए। तो गाइज मैंने जो प्रसाद लिया था ना माता जी के लिए तो नारियल दिया था मुझे, तो नारियल फोड़ा तो उनमें से मतलब नारियल में से फूल निकला, तो वो भी एक अच्छा गुड साइन है, मतलब ऐसा माना जाता है कि गुड साइन है। तो गाइस ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है ना उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो गाइस थैंक यू, हमारे 1000 सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। और ये अपनी ब्लैक पैंथर, ये आजू बाजू का एटमोसफियर, बाय गमनी। तो गाइस मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, और वंस अगेन थैंक यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। अभी तो हमें और आगे बढ़ना है, तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। बाय।